हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नजर आलम यू वाचिंग कबीर सीएससी। आज की इस वीडियो में 2 सितंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वे कौन थे? वे एक लेखक थे। ये जो रूबी लेखक के साथ साथ ये एक राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, एनिमेटर भी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका यानी यूएसए के रहने वाले थे। दूसरा सवाल यह है कि हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तीसरा व्यक्ति पूछा जा रहा है, ना कि पहला। जो पहला सबसे अमीर व्यक्ति है इसके बारे में सब लोग जानते हैं, जो है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। ये अमेजन कंपनी के मालिक हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एलन मस्क। एलन मस्क फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए थर्ड नंबर पर अपना स्थान सबसे अमीर व्यक्तियों पर बना के रखे हैं। अब बात करते हैं एलोन मस्क की। एलोन मस्क दो कंपनियां हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं। पहला है टेस्ला कंपनी, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरा कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी। जी हाँ, स्पेस एक्स कंपनी एलोन मस्क कंपनी है। यह एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता व अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं देने वाली कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कैलिफोर्निया, यानी इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो स्थापना हुआ था सन 2002 में हुआ था, ठीक है। तो इसका स्थापना सन 2002 में हुआ था। तीसरा सवाल ये है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वाइस चैटबॉट पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल। तो अब बात ये होती है कि चैटबॉट होता क्या है। चैटबॉट एक आर्टिफिशियल आधारित एक सेवा है जिसके माध्यम से आप वॉइस के द्वारा जुड़ सकते हैं। अगला सवाल ये है कि हाल ही में किस देश ने COVID-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? यानी जो COVID-19 की महामारी चल रही है इससे निपटने के लिए किस देश ने भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? यह है रूस। रूस ने भारत को COVID-19 से लड़ने के लिए 3500 करोड़ का ऋण दिया है। अब बात करते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है? मॉस्को में। इसके जो राष्ट्रपति है वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं दमित्री मेदवेदेव, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल। आप रूस के बारे में इतना जान सकते हैं। आगे देखते हैं। तो पांचवा सवाल ये है कि हाल ही में मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली किस संस्था ने विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इंडियन रेलवे के जो मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ये सवाल कहीं ना कहीं सवाल है, पूछ सकता है कि रेलवे बोर्ड की जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है विनोद कुमार। वो है विनोद कुमार। ये पूछ सकता है कि इंडियन रेलवे में कितने जोन हैं? अभी 2019 तक तो 17 रेलवे जोन थे, लेकिन 2019 के लास्ट में या 2019 में 18 कर दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 18वां जो रेलवे जोन है वो कौन सा है? तो उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, जो आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव राजधानी है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी है। पहले राजधानी विशाखापट्टनम, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ विशाखापट्टनम। दूसरी राजधानी है अमरावती, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नूल, जो न्यायिक कैपिटल है। तो आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी हो गई हैं, तो आपको इसके बारे में जान लेनी चाहिए। और आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने एक चैट बोट लॉन्च किया था, इसका नाम था आस्क दिशा। यहाँ पर आप हिंदी में वॉइस से इससे बात करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। यहाँ पर यह भी जोड़ दें कि इंडियन रेलवे के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे, यानी आज़ादी के बाद सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। तो आपको इंडियन रेलवे के बारे में इतना, कम से कम इतना जानना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल ये है कि हाल में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हिस्सा न लेने का फैसला किया है? यानी पहले ये हिस्सा ले रहा था भारत, लेकिन अब हिस्सा न लेने का फैसला किया है। और ये
सवाल ये है कि कौकास 2020 कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है रूस में। उठता है कि कौकास 2020 से हिस्सा न लेने का कारण क्या है, तो कारण ये है कि इसमें इस सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान और चाइना दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना से इस समय कुछ खास पड़ नहीं रही भारत की, तो सो हो सकता है कि इस कारण से भारत ने इस सैन्य अभ्यास से विड्रॉ कर लिया हो। तो रूस के बारे में यहाँ पर एक सवाल यही पूछ सकता है कि यूराल पर्वत कहाँ पे है, तो यूराल पर्वत रूस में ही है, तो आपको ये जानना चाहिए कि यूराल पर्वत रूस में ही है। नेक्स्ट सवाल ये है कि हाल ही में एयर स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक कैम स्कैनर नामक एक एप्लीकेशन था जिससे कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसका उपयोग कर रहा था, और यह एक चाइनीज ऐप था। तो कुछ महीने पहले भारतीय सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया था, इसमें कैम स्कैनर भी था। तो इसी को देखते हुए इसका अल्टरनेटिव बनाने के लिए IIT मुंबई ने एक एयर स्कैनर नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ फ्री है। तो आगे देखते हैं, अगला सवाल ये है कि हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2030 तक भारत ने 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि 100 मिलियन टन जो कोयला है उसको गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। अगला सवाल ये है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो आइए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में कुछ फैक्ट के कुछ सवाल ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल संबंधित हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री वो कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, जगदीश धनखड़। पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिसको लॉन्च किया था, जिसके अंदर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्कीम है जो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। पहला स्कीम ये है कि कर्म साथी प्रकल्प स्कीम। इसमें बेरोजगार 1 लाख बेरोजगार यूथ को सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए। दूसरा ये है कन्याश्री प्रकल्प स्कीम। इसके अंदर अविवाहित लड़कियों को जिनकी उम्र 18 और 13 साल के बीच में है और जो क्लास 8, 9 और 12 में पढ़ाई कर रही हैं उनको 750 रुपये प्रति वर्ष स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। जी हाँ, 750 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में हर वर्ष उन लड़कियों को दी जाएगी। आगे देख लेते हैं, एक है जय बंगला स्कीम। इसमें सभी SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको प्रति महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे, प्रति महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। अगला है एक रूपाश्री प्रकल्प स्कीम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है, ये हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ दे। इसमें लड़कियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो शादी करना चाहती हैं या जिनकी शादी होने वाली है, उनको 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक है, आप लोगों ने सुना होगा, युवा स्त्री स्कीम। एक है कृषक बंधु स्कीम। एक है उत्कर्ष बंगला। एक है साबु साथी स्कीम। में साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्लास 9 और 12 के विद्यार्थियों को, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साबु साथी स्कीम, आपको इसके बारे में जान लेनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपको कम से कम इतना जानना चाहिए, हो सकता है स्कीम के बारे में पश्चिम बंगाल संबंधित कुछ पूछ दे। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड कहाँ लॉन्च किया गया है। द यंग माइंड बच्चों के लिए पहला अखबार है, कहाँ लॉन्च किया गया है, ये इसका हो जाएगा असम। तो आइए देख लेते हैं असम के बारे में कुछ फैक्ट। असम के जो CM है वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और इस असम में कुछ स्कीम या योजनाएं लॉन्च की गई जिसको मैं बताने वाला हूँ। आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिपल ए। इसमें पहला ए से मतलब है अभिनंदन स्कीम।
अभिनंदन स्कीम योजना, इसमें एजुकेशन लोन सब्सिडी दी जाती है। दूसरा ए का मतलब है अरुंधति योजना, इसमें गरीब महिलाओं को सोना देते हैं। तीसरा ए का मतलब है अरुणदेई योजना, अरुणदेई योजना। असम के एक सिंगर हैं भूपेन हजारिका, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा क्योंकि उनको 2019 में भारत रत्न दिया गया था। भूपेन हजारिका के नाम से एक सेतु का भी नाम पड़ा है, जिसका नाम है धौला सादिया सेतु। धौला सादिया सेतु, धौला को ये सादिया को जोड़ता है, इसका नाम भूपेन हजारिका भी है। एक और ब्रिज है जिसको बोलते हैं बोगी बिल ब्रिज, बोगी बिल ब्रिज, यह डी एंड डी को जोड़ता है, यानी कि धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। जी हाँ, अगर सवाल ये उठे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, तो वो बहती है असम में। असम में एक पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर एक पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर एक पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, और ये असम में ही है। असम में एक धनवंतरी योजना भी है, यहाँ भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया था, और यहाँ पर ढिंग एक्सप्रेस बोला जाता है हीमा दास को। हीमा दास एक एथलीट है और इनको ढिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। और असम में रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया है प्रज्ञा नाम से। जी हाँ, रेडियो प्रोग्राम जो असम में चालू किया गया, उसका नाम है प्रज्ञा, प्रज्ञा। तो आपको असम के बारे में इतना जान लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।